हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं श्री सहेल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज हम हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स में चैप्टर 8 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। यह एक ड्यूअल कैंडल पैटर्न है जो अब ट्रेंड की रैली के एंड में अगर तैयार होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। अब इस पैटर्न की पहली कैंडल जो स्ट्रॉन्ग वाइट रियल बॉडी है या फिर ग्रीन रियल बॉडी है, और दूसरी कैंडल जो कि रेड कैंडल है, वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होकर फर्स्ट कैंडल का आधा या फिर आधे से भी ज़्यादा पार्ट इंगल्फ कर देती है, तो इसे एक स्ट्रॉन्ग डार्क क्लाउड कवर के नाम से जाना जाता है। रेड कैंडल अगर वाइट या ग्रीन कैंडल में 50% से भी ज़्यादा नीचे की तरफ इंसर्ट हो चुकी है तो एक पावरफुल डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन चुका होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें और एक बेरिश सिग्नल के कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। पैटर्न का लॉजिक क्या है? इस पैटर्न का पहला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग वाइट कैंडल है, जिसका मतलब है कि बायर्स मार्केट को बहुत ज़्यादा ताकत से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है मार्केट में। दूसरी कैंडल जो कि पहले कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होती है, इसका मतलब है कि दूसरे सेशन में भी बायर्स ने मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर लाया है, मतलब बायर्स अभी भी बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, पर अचानक से मार्केट का पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाता है और अचानक सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को इतना नीचे ले जाते हैं कि बायर्स अपनी ताकत खोने लगते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता और मार्केट में मच जाती है भगदड़। अब इस पैटर्न में हमें एंट्री कब लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना चाहिए? हमें सेकंड कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और फर्स्ट कैंडल के लो को जो भी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल में एंट्री कर लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम चार्ट पर इसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर का एक एग्जांपल अच्छा सा दिखाई दे रहा है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका हम ये निकाल देते हैं। अब यहाँ पे इसे मैंने मार्क करके रखा था ताकि हमें जल्द से जल्द वो मिले। तो ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, तो अब इस कैंडल में हमें यहाँ पे दिखाई देगा ओपन हो गया यहाँ पे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना है और इस कैंडल के नीचे की तरफ जो भी कैंडल ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, तो हमें उस कैंडल में एंटर लेना है। देखिए किस तरह से कितना नीचे गया है, यहाँ पे कितना सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये डार्क क्लाउड कवर है, हमेशा अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ तैयार होता है और नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव अगर ये बनता है तो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हमें रैली दिखाई दे सकती है। इस तरह से और एक दो जगह पर मैंने मार्क करके रखा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे अब हमारा जो कहना था कि ये हाई के ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्या ये हाई पे है? नहीं। तो ये जो सेकंड कैंडल है उसका जो हाई पे नहीं ओपन हुआ है, सेम ओपन हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सिचुएशन में ना हमें क्या करना चाहिए कि जो भी उस फर्स्ट कैंडल का हाई है उसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसको काट के जो भी कैंडल यहाँ से नीचे जाएगी उसमें हमें एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, इस कैंडल में हमें एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि कितनी दूर तक चला गया है मार्केट, यहाँ तक गया है। और तीसरा भी यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तीसरा, हाँ ठीक है, तीसरा भी यही पे है। अब ये देखिए यहाँ पे तीसरा बन चुका है, ठीक है, तो इसका भी मार्क मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे भी सेम पोजीशन हुई है, हमें फर्स्ट कैंडल के हाई को अपना स्टॉप लॉस बना लेना है, फर्स्ट कैंडल का जो क्लोज और लो है दोनों भी उसके नीचे की तरफ हमें एंट्री लेनी है। और यहाँ पे देखिए ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, फिर वहाँ से नीचे मतलब दो तीन दिनों तक नीचे गिरता रहा। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अलग अलग चार्ट पे जाइए, वहाँ पे इस तरह से डार्क क्लाउड कवर देखिए, सीखिए, पहचानिए किस तरह से एंट्री करनी है, तो आप भी एक चलते मार्केट में इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न फ्री कोर्स का, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले के सभी वीडियो देखिए, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें स्टडी करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स डालिए ताकि मैं भी इनकरेज हो सकूँ, कुछ सुधार मुझे इम्प्रूवमेंट दीजिए, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँगा दोस्तों, ठीक है। और
आपको मैंने टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, उन कोर्सेज के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप सभी चैप्टर्स देख सकते हो। आप भी मेरे तरफ से अच्छी खासा एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपको अगर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टा के DM पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट करो। तो दोस्तों, अगला चैप्टर लेके जल्दी हाजिर होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।